इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुरैश उस्मान के सेट पर ऐसा कौन सा वाकया पेश आया कि गुस्से में आके बुराक ने कुरैश उस्मान के ऑफिशियल इंस्टा पेज को और राइटर को अनफॉलो कर दिया। ना सिर्फ अनफॉलो किया बल्कि कुरैश उस्मान से रिलेटेड सारी प्रमोशनल पोस्ट भी डिलीट कर दी। ये बात बहुत दिनों से टर्किश मीडिया का हॉट टॉपिक बनी हुई है और इसकी रीजन यही बताई गई थी कि बुराक का अकाउंट हैक होने की वजह से ये सब हुआ, मगर टर्की के सबसे ऑथेंटिक और वैलिड मीडिया पेज ने इस खबर को डिनाई कर दिया और इस कॉन्ट्रोवर्सी की रीजन को अपने आर्टिकल में लिखते हुए बताया कि बुराक अपने मरकजी सीन में बैकग्राउंड में होने की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और यही डिस्टर्बेंस वजह है कि उन्होंने अपने आपको इस ड्रामे से अलग करने का फैसला कर दिया था। और ऑफ कोर्स राइटर को इस बात के कॉन्सिक्वेंस अच्छे तरीके से पता थे, जिससे बचने के उन्होंने वो सीन दोबारा रीशूट किया। इस खबर का मीडिया पर आना था कि लोगों ने इसकी वजह बाया हाथ उनकी डोमिनेंस को देना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि अगर बुराक और उसके तौर की वजह से गुस्सा होती तो राइटर कभी भी उन दोनों का राइडिंग वाला सीन ना दिखाता। इसके अलावा भी बुराक कोर्सी के साथ पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं और उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होगी। इस फ्रेंडशिप का इजहार ओजकी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी कर चुकी हैं, लेकिन लोग किसी भी बात की हकीकत को सोचे समझे बगैर अपने अंदाजे लगाना शुरू हो जाते हैं, चाहे कि उनके अंदाजे कितने ही गलत क्यों ना हो। ऑफकोर्स अगर ओटोमन एम्पायर में उस्मान बे की बहुत ज्यादा अहमियत है तो उनकी वाइफ यानी बाला हातून की भी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें बाला हातून की डोमिनेंस से बहुत एतराज है और उनके ख्याल के मुताबिक बाला हातून के स्क्रीन टाइम को कम करके उस्मान बे के एस के स्क्रीन टाइम को बढ़ाना चाहिए। आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा।